नमस्कार, खेलते रहो में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं रुचि। यूं तो संडे का इंतजार रहना लाजमी है क्योंकि ये छुट्टी का दिन होता है, लेकिन इस बार आपकी छुट्टी को खास बनाएगा क्रिकेट का सबसे दिलचस्प फॉर्मेट T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, जिसमें आखिरी दाव किसका होगा, यानी श्रीलंका के साथ कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेगी, ये आज सेमीफाइनल के नतीजों से तय हो जाएगा। और जब आपसे बात हो रही है तो ठीक इसी वक्त टीम इंडिया ढाका में साउथ अफ्रीका को धूल चटाने के इरादे से तैयार है। पिछले लीग मैचों में करोड़ों की फैंस की दुआओं के साथ टीम इंडिया को यहां तक पहुंचाया है, जहां उम्मीद है कि अब से कुछ घंटों बाद इंडिया की जीत 6 अप्रैल के संडे को सुपर संडे बना देगी। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट रोहित झालानी, जो बताएंगे कि आज टीम इंडिया सेमीफाइनल की बाजी कैसे जीत सकती है। तो शुरू करते हैं आज की खास पेशकश, फाइनल हमारा है। आज ढाका में एक लड़ाई है, एक युद्ध है, आज आर या पार की जंग है। आज की इस लड़ाई में टीम इंडिया को हर हाल में जीत दर्ज करनी है। आज टीम के लिए हारना मना है और डरना मना है। आज गलतियों की कोई गुंजाइश बख्शी नहीं जाएगी, क्योंकि आज की जीत ही फाइनल का टिकट दिलाएगी। आज करनी है फाइनल की सीट पक्की, आज इतिहास दोहराने की तरफ बढ़ाना है एक और कदम। आज भी हारना मना है, क्योंकि हिंदुस्तान मांग रहा है जीत, और सिर्फ जीत। जी हां, माही ब्रिगेड अब से कुछ देर बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना सेमीफाइनल मैच खेलने उतरेगी, लेकिन टीम इंडिया को मैच के दौरान कुछ चीजों का खास ख्याल रखना होगा। पिछले 4 मुकाबलों में टीम इंडिया के दोनों ही ओपनर बड़ी साझेदारी करने में फेल रहे हैं। रोहित शर्मा ने इस दौरान रन बनाए, लेकिन इस सीरीज में शिखर धवन बुरी तरह फ्लॉप रहे। 3 मुकाबलों में भारत की सलामी जोड़ी ने 1, 6 और 13 रन बनाए। सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया ने पहले विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी की थी। ऐसे में शिखर की जगह धोनी अजिंक्य रहाणे को एक और मौका दे सकते हैं। टीम इंडिया को दक्षिण अफ्रीका से सबसे ज्यादा खतरा उनके पेस अटैक से है। डेल स्टेन शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, स्टेन को वेन पार्नेल का अच्छा साथ भी मिला है। दोनों के अलावा बाकी के तेज गेंदबाज भी अच्छे फॉर्म में हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका के 3 बल्लेबाज भी टीम इंडिया के गेंदबाजों पर भारी पड़ सकते हैं। हाशिम आमला और डीकॉक ने टीम को हमेशा एक सधी हुई शुरुआत दी है, और उसके बाद आने वाले एबी डिविलियर्स तेजी से रन बनाने में माहिर हैं। ऐसे में टीम इंडिया के गेंदबाजों को अब पहले 3 विकेट जल्दी झटकने होंगे। टीम इंडिया के चारों मैच जीतने में अब तक फिरकी गेंदबाजों का जलवा रहा है, तेज गेंदबाजों की परीक्षा अभी बाकी है। दोनों टीमों की फील्डिंग भी मैच पर असर डाल सकती है। टीम इंडिया के पास विराट कोहली, सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा, युवराज सिंह और अजिंक्य रहाणे जैसे वर्ल्ड क्लास फील्डर हैं। हालांकि टीम इंडिया के लिए मीरपुर की पिच अब तक मैच जिताऊ साबित हुई है, यहाँ की पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार है। ऐसे में ज्यादा चिंता दक्षिण अफ्रीका को करनी होगी। स्पोर्ट डेस्क फर्स्ट इंडिया, स्पोर्ट डेस्क फर्स्ट इंडिया। तो वाकई में टीम इंडिया के लिए आज का ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल में टॉस जीत लिया और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और इंडियन टीम में माही ने कोई बदलाव नहीं किया है। जो विनिंग कॉम्बिनेशन पिछले 4 मैचों से चलता चला आ रहा है, वही विनिंग कॉम्बिनेशन जो है वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आज भी खेलेगा। बात करें अगर फिरकी गेंदबाज आर अश्विन की, तो सेमीफाइनल मुकाबले से पहले उन्होंने कहा कि शेर बांग्ला स्टेडियम में टूर्नामेंट के सभी 4 ग्रुप मैच जीतना भारत के लिए काफी अच्छा रहा है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल मैच किसी के पक्ष में भी जा सकता है। ग्रुप स्टेज में 2 बार मैन ऑफ द मैच रहे अश्विन के मुताबिक जो भी टीम शानदार प्रदर्शन करेगी वो मैच जीतेगी और चैंपियन बनने की हकदार होगी। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस मैदान पर और इस पिच के बारे में टीम के स्पिनर्स को काफी अंदाजा हो चुका है। अपने साथी गेंदबाज अमित मिश्रा को मिली सफलता पर अश्विन ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ कि वो फ्लाइटेड गेंदबाजी करने में जरा भी नहीं हिचके। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि यहाँ पर टॉस हो चुका है और साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। मैच ठीक 6:30 बजे
मीरपुर के शेर बांग्ला स्टेडियम में खेला जाएगा ये मैच। वाकई में दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रेशर भी जो है वो दोनों टीमों पर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आज जो भी टीम हारेगी उसका चैंपियन बनने का सपना टूट जाएगा। 2007 के बाद ये दूसरा मौका है जब T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया जगह बनाने में कामयाब हुई, और ऐसा ही कुछ जो है वो दक्षिण अफ्रीका के साथ में भी है। इससे पहले 2009 में साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंची थी, लेकिन वहां उसे करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ये मैच वाकई दोनों टीमों के लिए बहुत ज़्यादा अहम, और दोनों ही टीमों में जो है टीम इंडिया में खासतौर से कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन जो उनके दक्षिण अफ्रीका के जो उनके रेगुलर कैप्टन है फाफ डू प्लेसिस, जो कि अनफिट होने के चलते अब दो मैचों से बाहर थे, वो आज कप्तान हैं और आज के इस अहम मैच में कप्तानी का रोल प्ले करते नजर आएंगे। मतलब आज फाफ डू प्लेसिस वर्सेस धोनी। तो टॉस तो साउथ अफ्रीका ने जीत लिया है, लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए एक बुरी खबर हो सकती है, और वो बुरी खबर मौसम विभाग ने दी है। जी हाँ, मौसम विभाग के मुताबिक मीरपुर में आज भी तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। अगर आज बारिश होती है तो भारत खुद ब खुद ICC वर्ल्ड T20 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। ढाका में मौसम विभाग ने के मुताबिक बारिश के 70% अनुमान जताए गए हैं, जिसके चलते पहले सेमीफाइनल की तरह दूसरे सेमीफाइनल का खेल भी खराब हो सकता है, लेकिन इससे भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। खेल के नियमों के मुताबिक अगर दोनों टीमें 5-5 ओवर तक नहीं खेल पाती हैं तो अपने ग्रुप में टॉप रैंक में रहने वाली टीम को विनर अनाउंस कर दिया जाएगा। भारत ने अपने ग्रुप के सभी 4 मैच जीते हैं और वो 8 पॉइंट्स के साथ ग्रुप में टॉप पर है, ऐसे में वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। वहीं साउथ अफ्रीकी टीम अपने ग्रुप में 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है और उसने ग्रुप स्टेज में 4 में से 3 मैच जीते हैं। नेट रन रेट की बात की जाए तो यहाँ भी टीम इंडिया बाजी मारती हुई नजर आती है, तो मतलब अगर मौसम की मार पड़ती है तो सबसे ज्यादा खामियाजा इसका दक्षिण अफ्रीका को ही उठाना पड़ेगा। लेकिन इंडियन जो फैंस हैं वो यही चाहते हैं कि मैच हो, आज इंद्र देवता की यहाँ पर मेहरबानी ना हो, जिस तरीके से कल वेस्टइंडीज और श्रीलंका के मैच में हुई थी और डकवर्थ लुइस के हिसाब से वहाँ पे श्रीलंका को विनर घोषित किया गया था। तो आज मौसम की मार देखते हैं इस मैच पे पड़ती है या नहीं, और इंतजार कर रहे हैं सब बस सबसे कुछ देर के बाद शुरू होने वाले सेमीफाइनल मैच का। तो टॉस जो है वो हो चुका है, बस थोड़ी देर बाद मैच शुरू हो जाएगा। इस पूरी बातचीत पारी से बहुत अहम मैच पर हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत करने के लिए हैं रोहित। रोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज इस बहुत अहम और बहुत ही क्रूशियल मैच में। टॉस हो चुका है, साउथ अफ्रीका ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया, कितना सहमत हैं आप इस फैसले से? धन्यवाद रुचि। देखिए, बिल्कुल, जो हम पिछले 2-3 मैच का ट्रैक देखें तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को फ़ायदा मिला है और बाद में चेस करना थोड़ा मुश्किल हुआ है। हम लोग पिछला सेमीफाइनल देखें, उससे पहले हम लोग और मैच देखते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच देखते हैं और वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान मैच देखते हैं, तो बाद में चेस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि टूर्नामेंट इनिंग साथ विकेट और स्लो होता जा रहा है, तो सेकेंड इनिंग में चेस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है अभी। और एक बहुत खास बात यह रही कि टूर्नामेंट में जो 3 मैचेस साउथ अफ्रीका ने जीते हैं वो बाद में गेंदबाजी करके ही जीते हैं, हालांकि जो मार्जिन जीत का रहा वो बहुत कम था, बहुत ही क्लोज मैचेस जीते हैं 2 रन से, 3 रन से और 6 रन से। ऐसे में जो है शायद उन्होंने यहाँ पर इस बार पहले जो है वो फैसला ही बल्लेबाजी का लिया है। मैं आपसे इस मैच के प्रेशर के बारे में जानना चाहूँगी। साउथ अफ्रीका चोकर्स का टैग है और एक तरफ है टीम इंडिया जिसके जीत का सिलसिला बदस्तूर जारी है, ऐसे में आज के इस मैच में प्रेशर दोनों टीमों पर इक्वल होगा या साउथ अफ्रीका पर थोड़ा ज़्यादा होगा? देखिए, सेमीफाइनल एक बड़ा गेम है तो प्रेशर दोनों टीमों पर रहेगा, क्योंकि आप लीग में जो भी करके आए हैं वो अब उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो लीग का काम था वो खत्म हो चुका है। आप सेकेंड स्टेज में हैं, सेमीफाइनल आप जीते तो आप रेस में हैं, हारे तो आप बाहर। तो ये बहुत क्रूशल मैच है, प्रेशर वाला मैच है, दोनों टीमों को उसकी इंपॉर्टेंस मालूम है, जीतना दोनों टीमों के लिए ज़रूरी है। तो प्रेशर ऐसा नहीं है कि ओनली अफ्रीका के ऊपर है, प्रेशर इंडिया के ऊपर भी है, क्योंकि यदि एक गलती उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है, 4 मैच जीत सब धुल जाएगी। यदि ये मैच नहीं जीते तो जितनी मेहनत अब तक की है टीम इंडिया ने, जो परफॉर्मेंस की है वो एक साइडलाइन हो जाएगी, क्योंकि फाइनल फाइनल होता है, तो जीतना बहुत ज़रूरी है। और साउथ अफ्रीका अनडाउटली एक टैग उनके साथ है, एक प्रेशर बहुत ज़्यादा है क्योंकि कंडीशंस इंडिया के फेवर की है, टर्निंग ट्रैक्स, इंडिया के सारे बैट्समैन फॉर्म में, युवराज के फॉर्म में आना, स्पिनर्स की तिगड़ी, बिल्कुल प्रेशर साउथ अफ्रीका पे बहुत ज़्यादा, लेकिन इक्वली बड़ा मैच का प्रेशर इंडिया के ऊपर भी है।
बिल्कुल सही कहा रोहित, सेमीफाइनल का मैच ये जरूर है लेकिन खेलना इसको हमें फाइनल के तौर पर ही होगा। यहाँ पर माही ने प्लेइंग 11 ने बॉल में कोई भी चेंज नहीं किया है, ऐसे में फिर से एक बार जो है वो ओपनिंग की जो जिम्मेदारी है वो धवन और रोहित पर होगी। रोहित तो इनफॉर्म है लेकिन धवन ने पिछले 3 मैचों में महज 31 रन जोड़े हैं। बड़ा मैच, बड़ी जिम्मेदारी, धवन को आज आप क्या कहेंगे कि क्या माइंड सेटअप करके आए जब वो आज अपनी इनिंग की शुरुआत करने आए? देखिए, मैं बोलूंगा कि धवन शुड प्ले हिज नेचुरल गेम, क्योंकि जहाँ तक हमने देखा है ही इज़ ए बिग प्लेयर, मतलब जो अपना गेम है वो प्रेशर में और अच्छा खेलते हैं। इससे पहले उन्होंने प्रूव किया है, अच्छी बल्लेबाजी की है और हरदम प्रेशर कंडीशंस में इंडिया को स्कोर करके दिया है। बिल्कुल पूरी उम्मीद है मुझे धवन से कि वो अच्छा करेंगे और जिस टाइप का उनका एटीट्यूड है, जो उनका लाइफ स्टाइल है और जो उनका एटीट्यूड है बैटिंग का, वो मैच विनर है, कभी भी टीम के लिए बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करके जिता सकते हैं। विराट, एक बार फिर से आज कोहली को विराट इनिंग खेलनी होगी क्योंकि बहुत बड़े की प्लेयर हैं और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल, देखिए टीम में मैच जीतने के लिए इन फॉर्म बैट्समैन को हरदम परफॉर्म करना जरूरी है, क्योंकि यदि आप फॉर्म में हो तो अपनी इनिंग को कैरी करना आपके लिए आसान होता है। एक बार आए इन होने के बाद आप लंबी इनिंग खेल सकते हो और विराट जैसा प्लेयर जिस फॉर्म में है और जो बैटिंग कर रहा है, पूरा उन पर मुझे कॉन्फिडेंस है और आई एम श्योर कि हम जीतते हैं तो उनका बहुत बड़ा रोल होगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो युवराज का फिट होना भी है। प्रैक्टिस सेशन के दौरान नंगे पैर जब वो फुटबॉल खेल रहे थे तो उनके टखने में चोट लगी, थोड़ा बहुत एक पल के लिए लगा कि ऐसा ना हो कि युवराज सेमीफाइनल मैच ना खेल पाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बहुत शानदार 60 रन की इनिंग खेली और बड़े मैच के लिए एक बड़ा प्लेयर हमारे सामने आ गया। बिल्कुल रुचि, आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड में मैंने बोला था कि युवराज का फॉर्म में आना बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया से वो शुरुआत होगी और जिस अंदाज से उन्होंने बल्लेबाजी करी है आई एम श्योर कि टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट है वो और बिल्कुल इंडिया को फाइनल में पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा रोल वो प्ले करेंगे। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए जो है वो दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है इंडियन प्लेयर्स और साउथ अफ्रीकी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने कितने रन या कितने विकेट स्कोर किए हैं अब तक इस मैच में। बात अगर हम करें T20 वर्ल्ड कप के, अब तक ये 4 मैचेस खेले हैं विराट कोहली ने 4 मैचेस में 170 रन बनाए हैं, जबरदस्त औसत रही है 85 की। सेंचुरी भले ही नहीं लगा पाए लेकिन 2 बार उन्होंने मैच विनिंग पारियां खेली और 2 हाफ सेंचुरी उनके खाते में दर्ज हैं। रोहित शर्मा जो जब उन्होंने इस टूर्नामेंट में शुरुआत करी तो ट्रैक पर उनकी गाड़ी नहीं थी लेकिन फिर 4 मैचों में 147 रन बना के इस वक्त इंडिया के साइड से टॉप 2 बैट्समैन हैं रन बनाने के मामले में, 2 अर्धशतक उनके भी खाते में दर्ज है। युवराज सिंह 4 मैचों में 71 रन, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जबरदस्त पारी खेली 37 गेंदों में 60 रन की और वापस वही उस युवराज की याद आ गई जो कि बहुत बड़ा मैच विनर प्लेयर है। जाना जाता है कि अगर बड़े प्लेयर्स में, अगर बड़े मैचेस में बड़ा प्लेयर ना चले तो क्या होता है। युवराज से बहुत उम्मीदें रहेंगी। सुरेश रैना भी इन फॉर्म बल्लेबाज हैं, दो बार इन्होंने भी अच्छी साझेदारी की है यहाँ पर विराट के साथ मिलके और आज सुरेश रैना पर भी जिम्मेदारी होगी क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छे इनफॉर्म बैट्समैन हैं और फील्डिंग में भी ज़बरदस्त कमाल करते हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लगातार हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट रोहित स्टूडियो में बने हुए हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो भी इस बड़े और क्रूशियल मैच पर हमारी बात जारी रहेगी।